अरिंदर भैया, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हाँ, एक बड़े ही कमाल की न्यूज़ हमारे सामने आई है। और भैया, ये करना ही चाहिए कंपनी को। यदि आप एक कोई फ़ोन ख़रीदते हैं 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का, और आपको उस फ़ोन के अंदर दूसरे ही दिन आ जाती है कोई दिक्कत, तो ब्रांड का फ़र्ज क्या बनता है, कंपनी का क्या फ़र्ज बनता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सैमसंग गलेक्सी फोल्ड के बारे में। जो सैमसंग गलेक्सी फोल्ड की जो रिव्यू यूनिट्स सैमसंग ने भेजी थी, जो फर्स्ट लॉट इन्होंने सेल किया था, वो सारे के सारे डिवाइस जो हैं वो रिकॉल कर लिए गए हैं, और जो नया प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया गया है। अभी जो टीम है उस पर रिसर्च करेगी क्या क्या उसके अंदर इश्यूज आए थे स्क्रीन के अंदर, वो कैसे फिक्स हो पाएंगे, और उनको फिक्स होने के बाद ही जो है ये डिवाइस मार्केट के अंदर आ पाएगी। हाँ, तो जिनसे भी डिवाइस रिकॉल की गई है उन्हें या तो पैसे मिल जाएंगे या उनकी जो डिवाइस है वो रिप्लेस करके वापस कर दी जाएगी। तो जो सैमसंग गलेक्सी फोल्ड है, इसके अंदर जो बेसिकली हमें क्या क्या जो है वो चीज़ें देखने को मिली थी, इसका जो ड्रॉबैक या फीडबैक की यदि हम बात करें, तो क्या इसके अंदर जो है मेरे हिसाब से जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहली बात जो है, फ़ोन का डिजाइन ज़्यादा अच्छा नहीं था अकॉर्डिंग टू मी। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, सैमसंग गलेक्सी फोल्ड वर्सेज हुआ वे मैटेक्स या मैटेक्स वगैरह, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और जो हमारे चैनल पे वीडियो देखेंगे उनके अंदर डिटेल के बारे में बताया गया कि एक स्मार्टफोन को, फोल्डेबल स्मार्टफोन को कैसा होना चाहिए था। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सैमसंग गलेक्सी फोल्ड के जो सारे डिवाइसेज हैं वो रिकॉल किए जा रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे पहली हमें जो चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि ये 2 दिन के बाद इसकी डिस्प्ले के अंदर हमें इशू आने लग गए, जबकि कंपनी का कहना था कि ये 2 लाख बार टेस्टेड है फोल्ड। गौर करने वाली बात है, 2 लाख बार वाला 2 दिन भी नहीं चल पाया, या फिर आदमी ने उसे एक ही दिन में 3 लाख बार खोल दिया। चलो कोई बात नहीं, बीटा यूजर थे या फर्स्ट स्टेज पे था, फर्स्ट जनरेशन फोन था फोल्डेबल, तो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तक भी हमें हुआ है मेटेक्स के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन या कोई भी इस तरीके का वीडियो सामने नहीं आया है। तो इस बारे में आप जरूर विचार करिएगा कि हुआ फोल्डिंग फोन ज्यादा बेटर है या सैमसंग गलेक्सी फोल्ड, सॉरी। तो अभी हम बात करते हैं इसके जो सबसे पहला जो डिज़ाइन के अंदर जो डिफेक्ट था वो ये था कि भैया इसके अंदर एक क्रीज रहती है डिस्प्ले के अंदर। इसके अंदर आपने 3 डिस्प्ले यूज़ कर लिए, यदि ढंग से आप एक डिस्प्ले यूज़ करते तो वो भी जैसे कि हुआ मेटेक्स का आपने डिज़ाइन देखा था उस तरीके से हो सकता था। यदि आपको 3 डिस्प्ले यदि इसके अंदर यूज़ करनी थी तो इसका एक और बेहतरीन डिज़ाइन हो सकता था, जिससे आप इसके अंदर 3 डिस्प्ले भी यूज़ कर लेते, फ़ोन का डिज़ाइन भी यूनिक रहता। और भैया ये फ़ोन जो है इसके अंदर ये जो क्रीज वाली जो प्रॉब्लम थी ये भी देखने को नहीं मिलती। हाँ, मैं इस बात के बारे में दावा करता हूँ, मैं बता सकता हूँ डिज़ाइन, वीडियो में नहीं बताऊँगा भैया, अगले वीडियो में बताऊँगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। बाकी फ़ोन के अंदर यदि फीचर्स की बात करें तो काफ़ी सारे फीचर दिए गए थे, फ़ोन ओवरऑल ठीक था, बस डिज़ाइन के अंदर फर्स्ट जनरेशन फ़ोन था इसलिए कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर थी जो कि कंपनी रिकॉल कर रही है। और आई होप वो जो उस क्रीज वाली जो बात है उसे वो थोड़ा सा फिक्स कर सके। और हाँ, इसके अंदर ऊपर हम कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप कोई 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का फ़ोन ख़रीदते हो, उसे फिर बाद में 1 साल के बाद में उसे आप थ्रो आउट करना चाहेंगे? भैया 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने में साल निकल जाते, मैं तो ऐसा नहीं चाहूँगा कि मैं 1.5 लाख रुपए का फ़ोन यदि खरीदूँ तो उससे मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी। मैं उसे ये नहीं चाहूँगा कि वो 1 साल में ख़राब हो जाए, मैं चाहूँगा उसे मैं 5-10 साल तो आराम से यूज करूँ और मेरी आगे आने वाली पीढ़ियों को मैं उन्हें एज ए विरासत जो है वो देती दूँ। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, सैमसंग गलेक्सी फोल्ड के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।